ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। सीएल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, समाज के रहने वाले लोग क्या विचार रखते हैं आज उनके बारे में, जानते हैं सीधा डायरेक्ट लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है जी। जगदीश सिंह जी, की जानते हो तुम डेरा सच्चा सौदा बारे, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी बारे? डेरा सच्चा सौदा बारे असं काफ़ी चिर तो जुड़े हुए हैं जी। डेरा सच्चा सौदा च साढ़े गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी बहुत ही वधिया नेक भलाई लोग भलाई के काम करते हैं। बाकी संगत नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल उन्हां समझाउणा अज तक मैं देखा नहीं किसी नूं भी इस तरह का कोई समझाउंदा होवे। किस तरह के समाज भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए डेरा के अंदर कार्य किए जाते हैं? हाँ जी, वो मतलब सारे तरीकों नाल ही समझाउंदे। जिवें साडे दुकानदार आ, सानू दुकान दे विच कम करना किस तरह कम करना है सानू पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सानू सारी जानकारी आपके माँ प्यो वांगू सानू दिंदे आ। ते खेतीबाड़ी दे कम किवें करना, मतलब जिस तरह दा भी आपां अगे वधण वाला कम है वो सानू सारा समझाउंदे ने जी। इन्ना वधिया तरीके नाल समझाउंदे आ, मतलब कोई समझा नहीं सकदा जी। जी ते असीं तां इह कहिंदे आ वी साडे गुरु जी साडे विच जल्दी तों जल्दी आउण। मानवता भलाई के लिए, देश भलाई के लिए क्या क्या काम किए गए हैं डेरा के द्वारा? हाँ जी, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा उन्होंने मानवता भलाई के काम किए। देखो जी, जिवें लोगों नूं गरीब घर नूं मकान बना के देना है जी, वह भी मानवता भलाई के काम ने। ते होर जिवें विधवा हैगियां लड़कियां उन्हां दे ब्याह भी करवाउंदे ने है जी। इस तरह मतलब बहुत 133 काम कार्य चली है डेरे चलते ने, उन्होंने बढ़ चढ़ के संगत सहयोग दे रही है। हाँ सर, जो समाज का इतना भला कर रहा हो, जैसा कि आप बता रहे हो कि समाज भलाई के लिए काम किए गए, 134 मानवता भलाई के काम किए गए हैं, खूनदान करवा रहे हैं, विधवाओं की शादी करवा रहे हैं या कन्या भ्रूण हत्या रुकवा रहे हैं, तो क्यों उनको टारगेट किया गया, क्यों उनके ऊपर आरोप लगे, क्यों वो उनको जेल के अंदर किया गया, किस वजह से किया गया? जो समाज का इतना भला चाह रहा हो, समाज को आगे ले जा रहा हो, तो क्यों उनके ऊपर आरोप लगे? फिर ये इस तरह जी, जदों दे हजूर महाराज जी गद्दी ते आए सी, गद्दी दे चाहवान एक दो लोग होर भी सी डेरे च, वह इन्हों का विरोध करते सीगे। उन्होंने फिर होर तक कोई बहाना मिलया नहीं, उन्होंने मनघड़त गल्लां बना के लीडर लग के अचाल बना के ये केसा के उन्होंने मतलब फसाया। होर साढ़े गुरु जी के 1% भी होनदार गल भी बढ़ा सकते हैं, वह मतलब इन्ना असी विश्वास इन्हों सेवा भी की डेरे रहने असी, तो मतलब बहुत ही वधिया तरीके समझाना, तो उन्होंने यह जे आरोप लाने बहुत ही गलत है जी। सर धर्म की बात करते हैं, गुरु जी किस धर्म को लोगों की यहाँ शिक्षा देते हैं, किस धर्म की तवज्जो दी जाती है डेरा के अंदर मेन? गुरु जी सारे धर्म का पूरा सत्कार करते हैं, तो कुल जिहड़ा मालक है सृष्टि बनाने वाला है सानू उसका नाम जपन वास्ते कहा भी उसका नाम जपो, हरेक धर्म का सत्कार करो, किसी की बेदबी नहीं करनी। यह जे सानू मतलब मानवता भलाई के काम भी दसते हैं, नाम जपना सब तो उत्तम कर्म है साडा, ये भी जरूर करो। सुबह शाम जिन्ना टाइम निकलता है मतलब टाइम कढ़ो वध तो वध जी। सर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं गुरु जी से जुड़ने के बाद? हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ही बदलाव आए हैं जी। पहला चलो असी धर्म जिहड़े च मर्जी ला लो, सिख धर्म पैदा होए तो नशे पत्ते करते सीगे, शराब चलते सी, तो असी जो नाम लिया उस तो बाद साडी जिंदगी बदल गई। साडे बच्चे ने सारे टीचर लग गए, पढ़े लिखे ने सारे पूरे वधिया, तो मतलब इस तरह करके साडे परिवार कोई नशा नहीं। मालक दी इन्नी रहमत है दस ही नहीं सकता मैं आपके शब्दों नाल जी। हाँ जी, ओके। हाँ जी, क्या लगता है आज समाज को उनकी जरूरत है? हाँ, बहुत ज़्यादा जरूरत है जी उनकी। आज जैसे हम देखो कोरोना वगैरह महाभयानक चल रहे, रोग चल रहे हैं, किसान अंदोलन चल रहे हैं, ये लोगों को समझने की लोड़ है। उत्तों जिहड़ा रब है ये देखता है, तो यह संतान जो लोग इस तरह के इल्जाम ला के अंदर बढ़ाते हैं उदों फिर यह जुर्म चलते हैं। हजे भी लोगों को समझना चाहिए, तो पिता जी को बाहर जल्दी तो जल्दी दरबार च भेज के बहुत ही मान इज्जत नाल
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਤਜੋਗ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਤੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ समाज में आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की मांग कर रहे हैं कि समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब से वो समाज के बीच नहीं है तो नशे हैं कुरीतियां हैं दहेज प्रथा है कन्या भ्रूण हत्याएं हैं जगह जगह रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उन सबको रोकने के लिए समाज को नई सेहत देने के लिए देश की तरक्की के लिए पूरा समाज आज उनकी मांग कर रहा है आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देखते रहे जुड़े रहे द फैक्ट टेक के साथ धन्यवाद।